यदि मैं आज ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम में से जो खुद को मसीह के नाम से मसीह कहते हैं वो यीशु के सुसमाचार की महिमा में पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे एक पुराने शिक्षक थे यान पेनिकुक। जब भी वो मसीह के क्रूस के बारे में बात करते थे तो उनका दम घुट जाता था, क्योंकि यीशु ने उनके लिए जो कुछ किया था उसके विशाल परिणाम ने उनके पूरे व्यक्तित्व को जकड़ लिया था। मुझे एक दिन याद है जब वो आंसुओं से भरा हुआ कह रहा था, मुझे क्षमा करें, मैं क्रूस के बारे में केवल बात नहीं कर सकता, हमें उस क्रूस की महिमा करनी है। उस बयान की गंभीरता मेरे साथ तब से है और आज तक। सभी उतार चढ़ाव के माध्यम से, उन सांसारिक दिनों की कड़ी मेहनत के माध्यम से मसीह के क्रूस की महिमा ने मेरा दिल भर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, यीशु ने आपके, मेरे और किसी और के लिए जो किया है उसके कारण जो उस पर विश्वास करेगा और अपने पापों का पश्चाताप करेगा, वो जानते हैं कि वो गलत हैं, उससे दूर हो जाएं, वो महिमा हमारे जीवन में अनंत काल तक बनी रहेगी। बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों उसका 3:21 में, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के द्वारा जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जो कुछ मसीह ने उस क्रूस पर जीता है वो सब अनंत काल के लिए उसकी सामर्थ से हमारा हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि आप क्या कहते हैं, शायद आज उस सांसारिक दिनों में से एक है, या शायद हो सकता है कि आप निराशा की गहराई में हो। लेकिन आपका दिन कैसा भी हो, क्रूस को याद रखें, उसमें महिमा करें और जान लें कि वो महिमा युगानुयुग तक रहेगी। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।